ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुड़न छपरा में बाइकर्स गैंग ने एक महिला सिपाही की चैन छीन ली। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का तांडव लगातार जारी है। दिन दहाड़े महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए चैन छीन कर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुड़न छपरा की है, जहां रविवार की सुबह दूध लेकर अपने घर जा रही महिला से दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए महिला के गले से चैन छीन लिया और फरार हो गए। इसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पीड़ित महिला दुर्गा देवी ने ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं दुर्गा देवी ने बताया कि वह सीआईडी की हवलदार है। आज सुबह जब वह दूध लेकर जा रही थी, उसी समय जुड़न छपरा रोड नंबर 3 में दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर गले से चैन छीन लिया और फरार हो गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि सुशासन की सरकार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। वहीं ब्रह्मपुरा थानेदार मोहम्मद आलम ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम दूध लेकर के आ रहे थे 3 नंबर से। कितने बजे? 7 बजे के बाद, 8 बजे के पहले। और आ रहे थे तो दो आदमी, एक नगर निगम के कर्मचारी से बतिया रहे थे, लेडीज है, उससे बतिया रहे थे। तब तक दो आदमी बगल से आया है, झपट्टा मार के मेरा चैन छीन लिया है। किधर भागा? इस साइड भागा है सीधे। टावर की तरफ? नहीं, आगे जुड़न छपरा चौक पर जा करके ऐसे मुड़ गया। हल्ला किए हैं ना तो लोग दौड़ल है, तब तक ऐसे मुड़ गया माड़ीपुर की तरफ। चैन छीन लिया। हल्ला किए? हाँ, हल्ला किए, वो भी हल्ला किए है। तो भागा है यही पर हो करके जुड़न, पूरा सीसीटीवी उसको मिला है, ऐसे हो करके ऐसे माड़ीपुर के तरफ पीछा उछा कर रहा था क्या? आपका कोई ऐसा लगा पीछा हो रहा है? ऐसा तो नहीं था, पीछा नहीं कर रहा था। कहाँ से आ रहे थे? दूध लेकर के। दूध बथानपुर से? हाँ। अच्छा, कितना के संख्या में थे अपराधी? दो हाँ, करिया रंग के गाड़ी है, काला रंग के, और फिरोजी रंग का एथी पहनले है, फिरोजी रंग का है टी शर्ट पहनले है, फिरोजी रंग का टी शर्ट पहन ले है, गोल गाला का। अच्छा, भागा माड़ीपुर के तरफ। हाँ, हथियार उतर भी लिए हुआ था क्या? अब तो यही तो हम नहीं देखे हैं। आप किस विभाग में हैं? पुलिस विभाग में हैं। पुलिस विभाग में हैं। कहाँ पोस्टेड हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर एसपी ऑफिस में हैं। क्या है वहाँ? हवलदार है। हवलदार, आप सुरक्षित नहीं है, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेगा? अब कैसे कहें बेटा, हम तो वो तो जा करके ब्रह्मपुरा थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, वहाँ से एस्कॉर्ट पार्टी आया है, वहाँ पीओ पर जाके देखा है लोग, और देखने के बाद में फिर बोले हैं कि अब दुकान वकान खुलता है तो इस एसी के सीसीटीवी के जांच किया जाएगा। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। पति का क्या नाम है? रामलखन पासवान। घर कहाँ हुआ? घर यही डेरा है एथी में। अपना मकान कहाँ? अपना मकान बहुत दूर है। और दुर्गा देवी एक हैं जो एएसआई हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, और उनके द्वारा आवेदन में लिखा गया है कि डॉक्टर संजीव कुमार के सामने से दो मोटरसाइकिल सवार आए और झपट्टा मार करके चैन लेकर के चले गए। जांच में हम एएसआई सरुण कुमार को भेजे हुए हैं, अभी वो टावर पर सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं। जैसे ही सीसीटीवी में फुटेज आएगा, और हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरह का मामला हुआ होगा।